Hello student, shall we let's start with our subject that is a bookkeeping and accountancy. As the name of the subject bookkeeping and accountancy, pehla hi chapter hai introduction of the bookkeeping and accountancy. To yahan pe hame pehle chapter mein seekhna hai ki exactly bookkeeping and accountancy kya hai, hum log kaise karte hai bookkeeping accountancy aur hame kyu karna hai bookkeeping and accountancy. To name of the first chapter is the introduction of bookkeeping and accountancy. तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस होने वाला है बुककीपिंग अकाउंटेंसी मतलब क्या. सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बेसिकली बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये दो अलग अलग कंसेप्ट है. बुककीपिंग ये अलग कंसेप्ट है, अकाउंटेंसी ये अलग कंसेप्ट है. बुककीपिंग मतलब कीपिंग द रिकॉर्ड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. बिजनेस के सारे रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली रखो इज कॉल्ड एज अ बुककीपिंग, उसे बोला जाएगा बुककीपिंग. एंड अकाउंटेंसी इज व्हाट, अकाउंटेंसी इज वाइडर देन अ बुककीपिंग. अकाउंटेंसी हमें बताती है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. मतलब अकाउंटेंसी इज अ वाइडर देन अ बुककीपिंग. अकाउंटेंसी में हमें रिकॉर्ड तो करना ही है, क्लासिफाई करना है, एनालाइज करने हैं सारे ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट. इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा मतलब व्हाट एवर डेटा यू गेट अवेलेबल बाय दैट डेटा यू हैव टू इंटरप्रिट द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेंसी. सो दो अलग अलग कंसेप्ट है बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो बुककीपिंग मतलब क्या, हिसाब किताब, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. तो हमने हिसाब किताब ये वर्ड हमेशा सबने सुना है. सो टू नो द सिचुएशन ऑफ बिजनेस, टू नो द इनकम ऑफ बिजनेस, टू नो द एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, टू नो द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. बेसिकली एवरी बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन हैज टू कीप द हिसाब किताब ऑफ बिजनेस. आपको अगर आपके पेरेंट्स 500 रुपीज देते हैं एज अ पॉकेट मनी और दूसरे दिन इमीडिएटली यू आर गोइंग टू द पेरेंट्स एंड आस्क कि बाबा 500 खत्म हो गए, मुझे और 500 दे दो, तो डेफिनेटली योर पेरेंट विल आस्क यू कि कहाँ गए 500 रुपीज, कहाँ गए 500 रुपीज, कहाँ खत्म हो गए 500 रुपीज. मतलब क्या, आपको क्या पूछा जाएगा, हिसाब किताब. तो हमेशा पेरेंट्स आर सजेस्टिंग यू कि जो भी पैसा आपको दिया जाता है उसका खर्चे का हिसाब किताब रखो. हिसाब किताब रखो मतलब रिकॉर्ड रखो एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, इंपॉर्टेंट फॉर द फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो बुककीपिंग मींस व्हाट, बुककीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो इन अ सेपरेट सेपरेट बुक, दैट इज कॉल्ड एज अ बुककीपिंग. So bookkeeping is an activity of recording business transaction. For example, all financial activities of the business like goods purchased, sold, कुछ receipts है, कुछ payments है, कुछ salary paid है, कुछ expenditure है, ये सारे सारे transactions आपको systematically record करने हैं, that is called as a bookkeeping. All this recording is very useful for the future references, preparation of financial statement, any decision making. इसके लिए सारे record बहुत बहुत important होते हैं. All business enterprises and organizations undertake a lots of activity in a day in which money or money's worth is exchanged. So all these activity no one can remember definitely. कोई भी दिमाग में फिट नहीं कर सकता, प्रिंट नहीं कर सकता. इट्स अ लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ब्रेन दैट यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल योर बिजनेस ट्रांजैक्शन, यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द थिंग्स, ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द इवेंट व्हाटएवर विद यू. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी बिजनेसमैन टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन द बिजनेस. एंड टू ओवरकम दिस लिमिटेशन एवरी बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन मस्ट हैव टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन वेरी वेरी सिस्टमैटिकली, दैट इज कॉल्ड एज अ बुककीपिंग. सो ये बुक कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइक अपना बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, बिजनेस मुझे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है या मुझे एक्सपांशन करना है, ब्ला ब्ला, लॉट्स ऑफ डिसीजंस आर देयर इन अ बिजनेस. टू टेक ऑल दिस डिसीजन यूर बुक कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंटिल यू आर नॉट कीपिंग द बिजनेस रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली यू आर नॉट एबल टू टेक द स्मॉल और बिग डिसीजन इन द बिजनेस. सो बुक कीपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बुक कीपिंग स्टार्ट कैसे हुआ, बिगिनिंग ऑफ द बुक कीपिंग इन ओल्डन डेज, बहुत पुराने टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बुक कीपिंग को बोला जाता था अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स मनी एंड शास्त्र मीन्स साइंस. इन शॉर्ट बुक कीपिंग इज द मनी साइंस. मतलब बुक कीपिंग क्या हो गया, मनी साइंस. उसके बाद धीरे धीरे इंडियन सिस्टम्स आ गई, वहां पे बुककीपिंग को देसी नामा, बाही खाता, किर्द ऐसे ऐसे वर्ड आ गए. मतलब एक लॉन्ग लेजर बुक में सारे रिकॉर्ड्स लिखो, किसको कितने पैसे दिए हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, क्या परचेस किया, क्या सेल किया, कौन से एक्सपेंडिचर किए. ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन भी आपको एक लॉन्ग रेड कलर के बुक में रिकॉर्ड करने पड़ते थे, दैट इज कॉल्ड एज अ देसी नामा और बाही खाता. ओके, सो हमने क्या देखा, बुककीपिंग मतलब क्या, बुककीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन. डे टू डे हर दिन के ट्रांजेक्शन हमें सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बुककीपिंग. सो बुककीपिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस.
Why bookkeeping is hard? Because while recording the transaction, you must have to use your own skill knowledge. मतलब for example देखो मुझे अगर मेरे business के transaction record करने हैं तो मेरा क्या business है? I am conducting the coaching classes. तो मुझे systematic record रखना है transaction का, तो मुझे date चाहिए columns में, name of the student चाहिए whenever someone comes to pay the fees, then date, name, कौन से class में student पढ़ रहा है, मतलब 11, 12, कौन से batch है, कौन सी branch है, कौन से course के fees paid कर रहा है, how that student is going to pay the fees. For example, cash में है या check से paid कर रहा है या online transaction है, तो all these details I should maintain. So it's a skill. It's depend on your nature of business. किसी की फर्नीचर शॉप ही है, उसने कुछ फर्नीचर बेचा, अगर वो कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रख रहा है तो वो कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर देगा फर्नीचर सोल्ड, इतने अमाउंट को सोल्ड किया, तो उसके रिकॉर्डिंग के कॉलम्स अलग अलग रहेंगे, उसके रिकॉर्डिंग के सिस्टम अलग अलग रहेंगे, मेरे रिकॉर्डिंग के सिस्टम अलग अलग रहेंगे. आप होटल में खाना खाने जाते हो तो आपको बिल दिया जाता है, तो बिल का फॉर्मेट अलग है. मतलब वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट बिजनेस विल डिसाइड कि कैसे रिकॉर्ड करना है. सो इट्स अ स्किलफुल जॉब. It is science also. Why it is a science? Because while recording the transaction, हम लोग double effect record करते हैं, two effect of every transaction on a business हमें record करने पड़ते हैं. और जब भी आप business transaction record करते हो, तो आपको कुछ rules and regulation follow करने पड़ते हैं. Some rules and regulations are there that we have to follow while recording the transaction. So it's a science. So in short, bookkeeping is the art as well as science. All transactions जो record किए जाते हैं bookkeeping में, वो date wise and in a separate separate book record किए जाते हैं. Date wise transaction होते हैं, मतलब today is the 19 जुलाई, तो आज के दिन सिर्फ आज के दिन के transaction record होंगे, कल next day के transaction next page पे record, 21st जुलाई, 23rd जुलाई, मतलब date wise आपको transaction record करने हैं and account wise. मतलब जो जो पार्टी अफेक्ट हो रही है बाय दैट ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ऐसे अकाउंट वाइज हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं. जो पर्सन ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है उसे बोला जाता है अकाउंटेंट. उसे क्या बोला जाता है? अकाउंटेंट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ बुक कीपिंग. नाउ अकाउंटिंग इज वॉट? अकाउंटिंग इज अ वाइडर देन बुक कीपिंग. Accounting involves bookkeeping, analysis, summarizing the business transaction and interpretation of data. मतलब transaction record करो, analyze करो, summarize करो and उसके result interpret करो. मतलब कैसे चल रहा है आपका business, profit है या loss है, blah blah blah. ये हमें accounting बताता है. Obviously every businessman and business woman is interested to know the profit or losses of the business. आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे एट द एंड ऑफ ईयर और पूछोगे कि बताओ सीए साहब कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉसेस है, क्या हुआ है हमारे बिजनेस में, प्रॉफिट है या लॉसेस है. तो आपका सीए आपको आपके बुककीपिंग से, बुककीपिंग एनालाइज करके, अकाउंटिंग करने के बाद आपके बिजनेस के रिजल्ट बताएगा. सो टू गेट द रिजल्ट वी मस्ट हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली. अगर आप आपके सीए को बोलोगे कि नहीं मैंने अकाउंटिंग तो बुककीपिंग तो नहीं किया है, मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया है, टिल यू जस्ट गिव मी द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, फिर भी आपको मुझे मेरी असेट पोजीशन भी बतानी है, फिर भी आपको मुझे बतानी है कि मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, तो सीए बोलेगा बाबा मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं कि मैं आपको विदाउट रिकॉर्ड, आपके ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हाँ आपके बिजनेस में इतना प्रॉफिट है या वॉट एवर इज दैट इन्फॉर्मेशन. सो इट इज नॉट पॉसिबल. So to get the accurate result of the business, to get the accurate profit of the business, we must have to record first, then we can give the effect to that transaction, summarize the transaction and then interpret the transactions, interpret the result. So bookkeeping is very very important. So bookkeeping kya hai? Bookkeeping is an art of recording, art of dealing the set of books. These are the definitions given of the bookkeeping. Ye definitions hai. Bookkeeping is an art of recording books of accounts in a monetary aspect, commercial and a financial transaction. These two definitions are given for bookkeeping. Now next part, features of bookkeeping. क्या क्या है features? पहला feature है कि basically bookkeeping is a continuous process. Bookkeeping क्या है? It's a continuous process. Every day we have to record the transaction. Day to day transaction record करना मतलब bookkeeping है. So it's a continuous process. ये continuous process है. It is a method of recording day to day business transaction. It records only financial transaction. Obviously, ये भी बहुत जरूरी है कि bookkeeping में आपको सिर्फ financial transaction record करने, non-financial transaction record करने की जरूरत नहीं है. Because profit or loss हमें कैसे मिलेगा अगर आप financial transaction record करेंगे करोगे तो. So जब भी whenever your money affect, then only you have to record that as a transaction. मतलब either immediate money or future money. Sometime transaction on a credit basis. So either immediate money or future money is going to affect, then you have to record as a transaction.
So bookkeeping record day-to-day business transaction. It records only financial transaction. Transaction recorded for a specific period are presented for a future reference. ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक पीरियड के रिकॉर्ड किए जाते हैं लाइक वन ईयर वन अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग ईयर व्हाट इज अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग ईयर इज अ 12 मंथ्स पीरियड व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम द 1st अप्रैल एंड एंडेड ऑन अ 31st मार्च ऐसा 12 मंथ्स का पीरियड जिसके हमें अलग अलग सेट ऑफ बुक्स बनाने हैं अकाउंट्स के एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हमें ये रूल है कि यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ योर बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक 1st अप्रैल टू 31st मार्च ये 12 महीने का एक सेट रहेगा आगे के 12 महीने का एक सेट मतलब अलग अलग सेट ऑफ बुक हमें बनाने हैं बुक कीपिंग में एंड यू कैन यूज फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस फ्यूचर में रेफरेंस के लिए आप यूज कर सकते हो पहले भी मैंने बोला था बुक कीपिंग इज अ साइंस बिकॉज व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन वी मस्ट हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बुक कीपिंग इज आर्ट ऑल्सो बिकॉज व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन आपको आपके ओन स्किल इंटेलिजेंस नॉलेज एक्सपीरियंस भी यूज करना है सो इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट The result of the business activity ascertain on the basis of bookkeeping record. मतलब business के results जो आपको दिए जाते हैं कि आपके business का इतना profit है, आपके business की इतनी percent में growth है, आपका business इतना ऊपर गया है, ये कौन से base के ऊपर दिया जाता है? This is on the base of this bookkeeping. जो भी data CA को हम लोग available करेंगे अपने business का, जो भी information, जो भी transaction recorded, transaction recording available करेंगे, on that base CA is giving to you the result of your business कि आपके business के progress कितनी है आपको profit कितना है तो ये हमें मिलेगा by the bookkeeping only तो हमने आज के session में क्या क्या देखा कि bookkeeping मतलब क्या bookkeeping कैसे किया जाता है so bookkeeping का meaning definition bookkeeping कैसे start हुआ then we have seen the definition and the features of bookkeeping features मतलब यहाँ पे कौन से 6 features we have seen तो बुक कीपिंग के डेफिनेशन फीचर्स मीनिंग ऑफ द बुक कीपिंग इस लेक्चर में हमने कवर किया